तो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। एंड व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। एंड अभी हो चुकी है शाम। एंड गाइस, स्पेशल बात, आज हम लोग बनाने वाले अपने इन हाथों से बताओ क्या केक बनाने वाले थे। केक बनाने वाले हैं गाइस, और किसके लिए? तो कल है मम्मी पापा का एनिवर्सरी, तो आज मतलब बर्थडे। अरे बर्थडे नहीं यार, तो कल है मम्मी पापा की एनिवर्सरी, तो हम लोगों ने सोचा है कि अपने हाथों से केक बनाएंगे होममेड। एंड देखते हैं कैसे बनता है। एंड कल है मतलब कल है और आज क्यों बना रहे हैं, मतलब क्योंकि आज 12 बजे केक कटेगा। और क्यों कल क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि कल जो है मतलब साइड में पार्टी है, मतलब शादी के बाद जो होता है ना पार्टी, उसी का है पार्टी, तो मज़े नहीं आएगा ना उधर पार्टी में रहेंगे इधर सेलिब्रेट। तो आज ही रात को सेलिब्रेट करेंगे गाइस, एंड आप लोगों को भी दिखाएंगे, तो बने रहो व्लॉग में। एंड थोड़ी देर बाद मतलब अभी जाने वाला हूँ मैं चौक पे केक का मटेरियल लेने, नहीं अभी तो लेने नहीं जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद जाएंगे शाम को, थोड़ा और मतलब शाम होगा, तो अभी जा रहे हैं साइकिल का तेल लेने। एंड साइकिल मैंने अभी वॉश कर लिया है। एंड मम्मी का दो दवाई लेना है, वो भी लेके आएंगे। एंड साइकिल मैंने धो लिया है, एंड साइकिल का तेल भी लेके आना है, तो चलो। एंड साइकिल का थोड़ा नट भी कसवाना है, तो वो भी कसवा के आएंगे पूरा फिट करके। एंड मटेरियल उसके बाद शाम को थोड़ा चलेंगे, तो फिलहाल चलते हैं चौक पर। चलो तो गाइस, चलो नहीं रुको, क्योंकि मैं जाके आता हूँ। एंड क्योंकि मोबाइल अभी चार्ज नहीं है, तो चार्ज में लगाता हूँ, तो फिलहाल लेके आते हैं, तो आपसे मिलते हैं। चलो गाइस, इसको देखो, देखा क्या है? अबे यार, देखा क्या है ये? तो गाइस, ये कोई बुद्धू कहीं के फल को वेस्ट करता है। तो गाइस, चौक पर से आ चुके हैं। एंड अभी बज रहे हैं, अभी चौक पर से आ चुके हैं, अभी बज रहे हैं 6:50। एंड अभी फिर से चलते हैं चौक पे, मतलब सामान लिया ने केक का। एंड यार दिमाग नहीं लग रहा, ठीक है। देखो इधर बनाएंगे, तो मम्मी को था चली जाएगा कि हम लोग केक बना रहे हैं, तो सरप्राइज नहीं रहेगा, सरप्राइज देना ही नहीं आता यार, क्या करें। ठीक है चलो, था लग जाए तो क्या हो जाए, खा के दिखाएंगे ना, टेस्टी सवा बनाएंगे अपने हाथ से। तो चलो मैं फिलहाल तो लेके आते हैं अपना जो जो सामान है। हाय गाइस, तो गाइस अभी बज चुके हैं 8, एंड हम लोग रेडी हैं केक बनाने के लिए। एंड केक का सारा मटेरियल आ चुका है इधर, फिलहाल है मिक्सर आ चुका है, एंड बर्तन भी है। एंड मटेरियल मतलब केक क्या क्या आया है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। 5 आया है हैप्पी बिस्कुट, एंड 2 बड़े बड़े डेरी मिल्क, एंड 1 5 स्टार, एंड 1 है दूध जो कि हम लोग कहीं मिलाएंगे, पता नहीं हमको। इतना पातल चुपचाप बैठ। एक है लक्की, मतलब ब्रेड का पैकेट 1 लिया है हम लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना, रेडी सक्षम। तो गाइस अभी काटते हैं कैंची से, मतलब इसका ये साइड वाला काट के निकाल देते हैं। तो चलो फटाफट से काटते हैं, मतलब सारे ख़त्म कर दिए इधर, मतलब सारे का ख़त्म मतलब काट दिया। आरी आरी का कुछ इस तरह हम लोगों ने बनाया, मतलब मैंने बनाया है साइड का निकाल के। तो अब किस शेप में बनाना है कंफ्यूज हो रहा हूँ, सर्कल में बनाने का ट्राई करते हैं गाइस, ठीक है चलो। तो गाइस अब पावरोटी हो चुका है, एंड फिलहाल बिस्कुट मतलब मिस बिस्कुट तोड़ के यार मिस यार फिलहाल बिस्कुट तोड़ के एंड मिक्सर में रखते हैं। चलो तो गाइस अब फिलहाल रखते हैं इसमें। तो गाइस केक ऑलमोस्ट बन चुका है, एंड मतलब शेप मैंने रख के एंड पूरा क्रीम लगा दिया है, एंड थोड़ी सी बाकी है उसमें और डेकोरेट करने के लिए, तो अभी फ्रिज में रखा है मैंने। एंड अभी थोड़ा सा काम बाकी है, तो वो भी फटाफट से निपटाते हैं। एंड पापा जी भी आ चुके हैं, तो आपके लिए वो सरप्राइज होगा कैसे केक हम लोगों ने बनाया है। तो चलो मतलब फटाफट से केक बनाते हैं, तब आपसे मिलते हैं
एंड आप लोगों को सरप्राइज दिखाएंगे कैसा हम लोगों ने मतलब केक बनाया है। तो चलो मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो गाइज अभी बज चुके हैं 11:50, सिर्फ 10 मिनट रह चुके हैं मम्मी पापा की एनिवर्सरी को। तो प्लान थोड़ा चेंज हो चुका है, ठीक है, कि प्लान ऐसा चेंज हुआ है कि हम लोग अभी 12 बजे सेलिब्रेट करने वाले थे क्योंकि कल है पार्टी शाम को, मतलब पास में नाइवर का। तो मतलब मज़ा नहीं आता कल, तो अभी कभी अभी हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि एक पोपट हो चुका है, फ्रिज जो है नहीं चल रहा है। तो फ्रिज नहीं चल रहा है तो इतना मेहनत से मैंने केक बनाया, मतलब हम लोगों ने केक बनाया, तो अच्छा नहीं लगेगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने सोचा कि चलो फ्रिज में रख देते हैं, रात भर अगर चला, रात को अगर चला तो सुबह उठ के हम लोग काट लेंगे, नहीं तो अभी काट लेंगे। केक रेडी हो चुका है, अब मैं आप लोगों को सरप्राइज दिखाऊंगा कल, ठीक है। तो अभी आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा क्योंकि थोड़ा तो सस्पेंस तो बनता है ना गाइस। तो कल मैं दिखाऊंगा सीधा कि क्या है, कैसे मैंने बनाया, बताया मैंने कैसे बनाया केक। तो चलो अभी मम्मी पापा को विश करते हैं एंड फिलहाल सो विश करके सो जाएंगे। एंड अभी मैंने जितना वीडियो बनाया उतना एडिट कर लूँगा मैं एंड सो जाऊँगा, एंड फिर सुबह उठते मात्र व्लॉग बनाऊँगा, मतलब स्टार्ट कर दूँगा, केक कट कर लेंगे तो एंड कर दूँगा वहीं पे। एंड शाम को फिर से एक और नई व्लॉग स्टार्ट कर दूँगा शाम से, क्योंकि शाम जो है पार्टी है, पूरा धमाल भाई, डांस तो फारू होने वाला है गाइस, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो फिलहाल तो विश करते हैं, अभी कितना टाइम रह गया है, सिर्फ 8 मिनट रह चुके हैं, तो फिलहाल तो चलते हैं विश करते हैं, मतलब टाइम हो जाता है तो विश करते हैं, ठीक है। तो बने रहो व्लॉग में एंड बहुत अच्छा, मतलब फर्स्ट टाइम मतलब घर में बनाया, पर हमारे हिसाब में तो अच्छा बनाया गाइस, ठीक है। तो चलो फिलहाल वेट करते हैं। एंड गाइस सिर्फ चॉकलेटी केक बना हुआ है क्योंकि मतलब हैप्पी बिस्कुट एंड डेरी मिल्क एंड 5 स्टार, यही मतलब देखो डेरी मिल्क 2 40 वाला लिया था एंड 3 लगभग 20 वाला लिया था, तो ओहो हो, हैप्पी एनिवर्सरी टू माय मॉम एंड माय डैड। तो आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी एनिवर्सरी, बहुत 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 शुभकामनाएं मेरी तरफ से, साइराज व्लॉग्स की तरफ से, आपके बेटे की तरफ से। तो गाइस मैं कैमरा में क्यों बोल रहा हूँ, पापा के एंड मम्मी के सामने क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका बेटा होते हुए मैं नहीं चाहता मेरे मम्मी पापा मतलब डिस्टर्ब हो नींद से या कोई भी चीज़ से। तो फिलहाल वो सो चुके हैं, मम्मी एंड पापा दोनों मतलब सो चुके हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उन लोग मतलब मम्मी पापा को डिस्टर्ब करूं। तो पहले भी इस मेरी तरफ से गाइस, क्योंकि अभी 00:00 हो रहा है, मतलब 12:01 नहीं हुआ था, फिर तब मैंने विश किया। तो पहले विश तो मेरा ही जाता है, तो हैप्पी एनिवर्सरी एक बार और पापा एंड मम्मी। तो फिलहाल गाइस मतलब मन नहीं कर रहा था कि पापा जी एंड मम्मी को नींद से उठाऊं, उनको मतलब विश करूं, तो अच्छा नहीं लगता ना यार। तो विश तो कभी कर देंगे, बट नींद ख़राब करना अच्छा बात नहीं है। तो ठीक है, मैंने कैमरे में कह दिया है, ब्लॉग देख लेंगे पापा जी, तो उनको भी पता चल जाएगा कौन पहला विश किया है। तो चलो फिलहाल मिलते हैं सुबह, केक कट होगा तब चलो। एंड एक बार और हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी एंड माय पापा जी, चलो। एंड गाइस आपको भी एक काम करना है मेरे मम्मी एंड पापा जी के लिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जितना हो सके उतना, एंड सपोर्ट करो, ठीक है, चलो।
तो गाइस मैं आपसे बात कर रहा हूँ सुबह के 10:40 में, एंड अभी तक मतलब केक कट नहीं हुआ है, तो फटाफट से चलते हैं केक मतलब सरप्राइज देते हैं एंड केक काटते हैं एंड वीडियो को एंड कर देंगे केक काट के। तो चलो फटाफट से केक ले आते हैं और काटते हैं। चलो एक बात और गाइस, फ्रिज रात भर भी नहीं चला, तो देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। फिलहाल चलते हैं ला। तो गाइस फाइनली रिवील, मतलब हम लोग ने ऐसे केक बनाया, अब जैसा भी है हम लोग बनाए घर पे तो अच्छा ही है हमारे नज़र में, ठीक है, होममेड गाइस। एंड इसमें हम लोग पावरोटी का भी यूज कर किया है, तो लेट्स सी टेस्ट में कैसा होता है। तो फिलहाल पापा जी मम्मी को बुलाओ, इसको देखो रे बजाओ से ना रे। तो गाइस मतलब सेलिब्रेट हो चुका है एंड बहुत अच्छा टेस्टी था। अब फ्रिज चलता तो और भी टेस्टी हो जाता था, तो ठीक है अच्छा लगा ऐसे भी। मतलब सेलिब्रेट हो चुका है, मज़ा आ गया, फ्रिज चलता तो और भी अच्छा लगता केक, एंड जैसे कि आपने देखा मज़ा आ गया। यही सिंपल सेलिब्रेट करते क्या, गीत बजा दिया, केक काट लिया, बस खाना पीना हो गया, मतलब खाना पीना नहीं हुआ है, तो चलो मतलब खाना पीना करूँगा मैं एंड थोड़ी देर आराम करूँगा, फिर नए व्लॉग स्टार्ट कर दूँगा एंड फिर शाम को दिखाऊँगा सफर धमाल, पार्टी होने वाली थी गाइस शाम का, मतलब कल वाला व्लॉग मिस मत करना। तो चलो वीडियो को एंड कर देते हैं, आई होप कि आप लोग वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस, बाय बाय।